नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। विवाह और तलाक को लेकर रोज नई नई सुर्खियाँ बन जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन हम आपको इसमें ऐसी जानकारी बताएंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है। कई व्यूअर्स ने कहा था कि तलाक पर पूरी जानकारी दी। देखिए, तलाक और विवाह ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची वैसे सूची को कहते हैं जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार होता है, अर्थात केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कानून बन गया कि तलाक 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 कहना अब तलाक नहीं होगा, व्हाट्सएप पर तलाक नहीं दे सकते, फ़ोन करके तलाक नहीं दे सकते, टेलीग्राम से चिट्ठी से नहीं दे सकते। तो अगर कोई इसके बावजूद तलाक देता है तो उसे 3 वर्ष की सजा का प्रावधान करता है। दूसरा कि जिस महिला को तलाक दिया गया है उसके घर बच्चे हैं तो उसे गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। ये शाबानो प्रकरण में एक बार जजमेंट आ चुका था, इसको फिर पलटा गया था बाद में, लेकिन फिर से अब जब नया कानून बना है तो इसमें ये चीज़ें को लागू किया। अगली चीज कि जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है। अभी तक कुल पहले 13 राज्य इसमें समर्थन दिए थे और अभी 3 और राज्य यानी कि 16 राज्यों ने इसमें अपनी सहमति दे दी है कि उनके यहाँ पर अगर इस प्रकार की तलाक की कोई आता है मामला तो जो केंद्र ने कानून बनाया है उसको वो लागू कर दे। एक अच्छी पहल है और वीमेन एम्पावरमेंट जिस प्रकार से चल रहा है भारत में तो निश्चित रूप से जो समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक वर्ग का शोषण होता है तो उसको तो समाप्त करना ही चाहिए। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे, सभी करेंट इवेंट की खबर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नमस्कार।